हेलो एवरीवन, आज हम प्रैक्टिस करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की। ओके, आज मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस यूपी टेट में पूछा गया है। ओके, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए डायरेक्ट सेंटेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपसे जो पूछा जाता है आप उसे अंडरलाइन कर दे। फर्स्ट थिंग, क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी में ये भूल जाते हैं कि हमें पूछा क्या गया है, हमें करना क्या है। ओके, सेंटेंस है, आई आस्क्ड शीला इफ आई माइट नो हर फादर। ओके, यहां पर आस्क्ड आया है, मींस इंट्रोगेटिव सेंटेंस था ये। इफ और वेदर यूज होता है जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। यहां पर माइट दिया है, मे की जगह माइट आया है। ओके, तो हम देखेंगे ऑप्शंस में कि हमारा आंसर क्या हो सकता है। ओके, फर्स्ट तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क सब में ही है। ओके, कोई बात नहीं, यहां पर आस्क्ड है तो यहां पर आस्क्ड हो नहीं सकता है, तो आप ऐसे एलिमिनेट करते जाएंगे। ओके, माइट मेक ढूंढना है आपको, ये हो नहीं सकता है, विल दिया हुआ है इसमें, मे इसमें है, इसमें है, तो मतलब आपका आंसर इन दोनों में से है। ओके, टोल्ड होगा नहीं क्योंकि आपको डायरेक्ट चाहिए, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा आपका। आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर। ओके, ऐसे आपको एक एक ऑप्शन पे जाना है और एलिमिनेट करते जाना है और आंसर तक पहुंचना है। ओके, नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन, ये भी यूपी टेट में पूछा गया है। ओके, पॉइंट आउट द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, डायरेक्ट स्पीच अंडरलाइन किया मैंने ताकि मुझे पता रहे मुझे करना क्या है। क्वेश्चन है आपके सामने, आई आस्क्ड व्हाई ही वॉज लुकिंग थ्रू द की होल। ओके, ऑप्शन है आपके सामने, फर्स्ट तो आपने ये पता लगा ही लिया होगा कि आस्क्ड आया है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, डब्ल्यू एच वर्ड है तो मीन्स डब्ल्यू एच वर्ड कनेक्टिव का काम कर रहा है, यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए तो हम पहले देख लेंगे, हेल्पिंग वर्ब वाला तो हमको चाहिए नहीं, तो ये ए को हमने एलिमिनेट कर दिया, डू नॉट आ रहा है ये होगा नहीं, बी को भी हमने एलिमिनेट कर दिया, You are looking through the keyhole, I said, ये भी नहीं होगा और इसमें क्वेश्चन मार्क है नहीं तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा आपका, सी इज द राइट आंसर। डब्ल्यू एच वर्ड आ गया यहाँ पे, ये कनेक्टिव का काम कर रहा है, यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड है। Why are you looking through the keyhole? क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, I said, okay? ऐसे आपको आंसर तक पहुंचना है। ओके, नेक्स्ट है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। आपको इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस ढूंढना है, चूज करना है जो ऑप्शन दिए हुए हैं। ओके, सेंटेंस क्या है पहले देखेंगे, अवर टीचर
said to us, sugar dissolve in water. Okay? आपने एक चीज नोट करी, शुगर डिजॉल्व इन वॉटर एक यूनिवर्सल ट्रूथ है. हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, कोई हैबिट होती है, कोई हिस्टोरिकल इवेंट होता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई चेंज नहीं होता है. ओके? तो ये सेंटेंस जो है आपका एज इट इज रहेगा, बस इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे और दैट लग जाएगा. यहां पर डिजॉल्व दिया है तो ये नहीं होगा, यहां पर भी ईडी आ रहा है ये नहीं होगा, इन दोनों में से होगा. मींस ए कट गया, बी एलिमिनेट हो गया, इन दोनों में से आपका आंसर होगा. ओके? आवर टीचर टोल्ड अस, यहां पर सेड टू किस में चेंज हो गया, टोल्ड अस दैट शुगर डिजॉल्व इन वॉटर. ओके? तो आंसर भी क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. ओके? ऐसे आपको आंसर तक पहुंचना है. नेक्स्ट है, क्वेश्चन है आपके सामने, आइडेंटिफाइंग द करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस. ओके? माई फ्रेंड सेड यू मस्ट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट. ओके? अब हम क्या करेंगे, माई फ्रेंड आस्क्ड वो नहीं होगा तो ये एलिमिनेट हो गया ऑप्शन है. माई फ्रेंड सेड, सेड का सेड तो होगा नहीं क्योंकि इनडायरेक्ट में चेंज करना है आपको. माय फ्रेंड रिक्वेस्टेड, यहां पर कोई प्लीज वगैरह नहीं आया तो रिक्वेस्टेड भी नहीं होगा. माय फ्रेंड इंसिस्ट दैट आई मस्ट एक्सेप्ट दैट गिफ्ट. तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. ओके? ऐसे आपको आंसर तक पहुंचना है. एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाएंगे और आंसर तक पहुंचेंगे. ओके? और ध्यान रखना है कि आंसर क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है, उसको आप अंडरलाइन कर लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा और आपको पता रहेगा कि हमको क्या करना है. नेक्स्ट है, मंजीत सेड टू अनीशा, कुड यू प्लीज ओपन द डोर. ओके? इन द अबव सेंटेंस मंजीत इज, मंजीत क्या कर रहा है, यहां पर आपने देखा प्लीज लिखा हुआ है तो क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रही है. आंख बंद करके आप ऑप्शन रिक्वेस्ट वाले पे जाएंगे और राइट लगा देंगे, बस आपको ये करना है. तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका, मेकिंग रिक्वेस्ट, प्लीज आ रहा है, रिक्वेस्ट हो रही है, ज्यादा सोचना ही नहीं आपको इसके बारे में. नेक्स्ट है, क्वेश्चन है आपके सामने, मोहन सेड टू सविता, कैन आई बोरो यू बुक फॉर ए डे क्वेश्चन मार्क. ओके? मीन्स ये क्या है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. इंट्रोगेटिव, जैसे आप क्वेश्चन मार्क देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके दिमाग में आना चाहिए, आस्क्ड होना चाहिए, इफ वेदर होना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, कौन से वर्ड्स चेंज हो रहे हैं, ये सब आपको सोचना है. तो इन रिपोर्टेड स्पीच द अबव सेंटेंस विल बी मोहन आस्क्ड सविता, क्या हो जाएगा, कैन दिया है, कैन किस में चेंज हो जाएगा, कुड में. ओके? इफ आ जाएगा. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका. क्यों? इफ ही कुड बोरो हर बुक फॉर ए डे, इफ आ जाएगा सब्जेक्ट,
could borrow her book for a day. Okay. Next है, सारे ही क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं. हम इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके कई बच्चे ऐसे होते हैं जो डरते हैं कि एग्जाम में क्या पूछेंगे. नहीं, बहुत इजी पूछा जाता है बल्कि एग्जाम में. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, शी सेड टू हर ब्रदर डू नॉट बाय मैंगोज. ओके आपको जब भी सेंटेंस में डू नॉट दिखाई देता है तो ये डू नॉट जो है किसमें चेंज हो जाता है, नॉट टू में चेंज हो जाता है. आपको बस ये ध्यान रखना है. ओके नॉट टू, शी आस्क्ड हर ब्रदर. ओके नॉट टू ढूंढेंगे हम कहां पर है, टू नॉट तो हमें चाहिए नहीं, नॉट टू इसमें है तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. क्योंकि यहां पर क्या दिया हुआ है, नॉट टू दिया है, इसमें डू नॉट आ रहा है, इसमें डू नॉट हमें चाहिए ही नहीं, डू नॉट को चेंज करना है नॉट टू में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नॉट टू बाय मैंगोज. ओके नेक्स्ट है आपके सामने सेंटेंस है, क्वेश्चन है आपके सामने, द स्टूडेंट सेड We want to learn a foreign language. In reported speech, the above sentence will be: The student said that. इसके दो ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं. ओके और मैं बता दूं आंसर इन दोनों में से ही है, ए और बी. तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. दे वॉन्टेड टू लर्न ए फॉरन लैंग्वेज. ओके ही सेड कविता व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन. क्वेश्चन मार्क आ गया, मीन्स ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. ओके द अबाउ सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच विल बी, आपको ऑप्शंस दिए हैं इसमें से आंसर ढूंढना है आपको. ओके ये तो मैंने बता दिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डब्ल्यू एच वर्ड आ रहा है, तो आप क्या समझ रहे हैं इससे, एक तो आस्क्ड होना चाहिए सेड की जगह, डब्ल्यू एच वर्ड ही आपका कनेक्टिव होना चाहिए यहाँ पर, इज एम आर वॉज वर्ड में चेंज हो जाएगा. ओके ये चीज़ें आपको देखनी है. ओके देखेंगे हम, डब्ल्यू एच वर्ड इसमें है. ओके ये कनेक्टिव का काम कर रहा है, इसमें भी है, डब्ल्यू एच वर्ड है, इसमें नहीं है, तो ये आपका एलिमिनेट हो गया सीधा ही, कट गया सी वाला तो. ओके आस्क्ड है, जब भी डब्ल्यू एच वर्ड कनेक्टिव के रूप में काम करता है तो उसके साथ कभी भी दैट नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना है. तो यहां पर डब्ल्यू एच वर्ड दैट के साथ आ रहा है तो मीन्स ये गलत है, तो ये एलिमिनेट हो गया. यहां पर भी क्या हुआ, डब्ल्यू एच वर्ड दैट के साथ आ रहा है तो ये कट गया. ओके अब हम देखेंगे आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ही आस्क्ड कविता व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वॉज. आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी डब्ल्यू एच वर्ड आता है तो उसके साथ हमेशा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगी. ओके ये आपको ध्यान रखना है. ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपके सामने, द डॉक्टर सेड टू मी डू नॉट स्विम इन कोल्ड वॉटर. बहुत इजी क्वेश्चन है ये, डॉक्टर हमेशा क्या देता है, एडवाइस देता है, आपको ध्यान रखना है. डू नॉट आता है तो मैंने क्या बताया आपको, किस में चेंज करना है, नॉट टू में चेंज करना है. ओके द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, सीधा ही आप आंसर तक पहुंच गए इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नॉट टू स्विम इन कोल्ड वॉटर. क्योंकि डू नॉट किस में चेंज होता है, नॉट टू में. ओके
नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन, आपसे जो पूछा जाता है आप इसे अंडरलाइन कर लें ताकि आपको इजी हो जाए आपके लिए कि आपको करना क्या है। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि जल्दी जल्दी में कि हमें क्या करना है इसमें। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ें उसको अंडरलाइन करें, जैसे मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। ओके, हमें क्या देखना है, इनडायरेक्ट फॉर्म देखना है। ओके, यहाँ पे लिखा है द मैन सेड लेट मी हैव द फर्स्ट चांस। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी क्वेश्चन लेट आता है आपका, लेट से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें दो चीजें आती है हमेशा, प्रपोज्ड आएगा या फिर सजेस्टेड आएगा। आपको हमेशा लर्न रखना है, दिमाग में रखना है कि जब भी सेंटेंस में लेट आता है तो क्या ध्यान रखना है आपको, प्रपोज्ड या सजेस्टेड। और लेट अगर हट जाएगा तो उसकी जगह शुड लग जाएगा। ओके, तो यहां पर क्या है कि बोर्ड ने दो आंसर माने हैं, ए और बी दोनों को सही माना है, ए एंड बी बोथ। द मैन प्रपोज्ड दैट ही शुड हैव द फर्स्ट चांस, और बी है द मैन प्रपोज्ड टू हैव द फर्स्ट चांस, दोनों ही सही है। ओके, नेक्स्ट है, बहुत इजी है और बहुत ही सिंपल है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। द पुलिसमैन सेड प्लीज मूव दिस कार। मैंने आपको क्या बोला था, जब भी आप प्लीज देखें आपको आंखें बंद करके किस पे राइट लगा देना है, रिक्वेस्टेड पे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, द पुलिसमैन रिक्वेस्टेड मी टू मूव द कार। ओके, नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं अलग अलग। ओके, नेक्स्ट है, शी आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग आई हैड वर्क्ड देयर, चेंज टू डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट में चेंज करना है। तो आपने एक चीज देखी, यहां पर आग्स जा रहा है, तो आप सीधे ही समझ जाओ कि क्वेश्चन कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, डब्ल्यू एच वर्ड आ रहा है, सॉरी हाउ, एच ओ डब्ल्यू, हाउ लॉन्ग, तो मींस यही आपका कनेक्टिव बन जाएगा उसमें। हमने यही तो सीखा था, डब्ल्यू एच वर्ड या हाउ, हाउ मच भी होता है तो वो भी क्या बन जाता है, वही कनेक्टिव बन जाता है। तो डब्ल्यू एच वर्ड तो रहना चाहिए उसमें। तो आप देखेंगे और ये वर्ड्स चेंज होते हैं, देयर लिखा हुआ है तो हियर हो जाएगा उसकी जगह। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, देयर का देयर ही लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, गलत। ओके, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, शी सेड हाउ लॉन्ग हैव यू वर्कड हियर, हेड किस में चेंज हो जाता है, हैज हैव को ढूंढना है हमको, हैव में। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शी सेड हाउ लॉन्ग हैव यू वर्कड हियर, वर्किंग होगा नहीं, एलिमिनेट हो गया ये। ओके, ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम में आए हैं, जितना आप करोगे आपकी प्रैक्टिस होगी उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपको। ओके, शी सेड यू मे नीड माय हेल्प, इनडायरेक्ट नरेशन में इसे चेंज करना है। ओके, शी सेड मे किस में चेंज हो जाएगा, माइट में, मे किस में चेंज हो जाएगा, माइट में, हमने देखा था मे है यहां पे, तो ये एलिमिनेट हो गया फर्स्ट वाला, तो ए, मे कभी मस्ट में चेंज नहीं होता, मे माइट में चेंज होता है हमेशा। ओके,
और यहां पर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी को देखें, शी टोल्ड मी दैट आई माइट नीड हर हेल्प। ओके, सेंटेंस भी पूरा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, आधा अधूरा सेंटेंस गलत होता है। ओके, नेक्स्ट है आपके सामने, यस आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, यस ऑप्शन, यस चारों ऑप्शन आ गए हमारे सामने। अब हम पढ़ेंगे इसमें क्या पूछा है। द टीचर सेड हैव यू सबमिटेड योर फॉर्म चेंज टू इनडायरेक्ट नरेशन। ओके, हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा गया है एग्जाम में ये क्वेश्चन। ओके, इनडायरेक्ट में चेंज करना, मैंने अंडरलाइन कर दिया इसे ताकि मुझे ध्यान रहे कि मुझे करना क्या है। ओके, अब आपको देखना है टीचर इफ, और आपको एक चीज ध्यान रखनी कि आपको चेंज किस में करना है, ये चीज नोट करनी है सबसे पहले। यहां पर हैव दिया है, हैज हैव हमेशा किस में चेंज हो जाता है, हेड में, तो आपको हेड ढूंढना है सबसे पहले। हैव दिया है तो फर्स्ट वाला यहां पर ये एलिमिनेट हो गया। ओके, आपको इफ वेदर आई हैड सबमिटेड माई फॉर्म, सी आपका राइट आंसर होगा। द टीचर आस्क मी इफ वेदर, दोनों में से कुछ भी लग सकता है, आई हैड सबमिटेड माई फॉर्म, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, और भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी आपको ताकि आपको और क्लियर होता जाए। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ये टॉपिक आपको समझ में आएगा, क्लियर होता जाएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे। ओके, थैंक यू।